जय माता चतुर्दुर्गा। आपको दो इले उठा करके ले जा सकती हैं। यह है रेंज रोवर और इसकी क्या हालत होगी, आगे मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी। भाई सुबह के बजे 5:30 निकल रहे हैं फिर से सफर की ओर। भाई अभी रात का अंधेरा ही है, मम्मी उठ गए थे, मैं सुबह 4 बजे का उठाऊंगा। आज अपनी स्टार भी यहीं पे, हल्की हल्की ना बारिश हो रखी है भाई। ये देखो मैंने रात को ही कर दी थी सारी सेटिंग, वैसे तो छोटा मोटा काम बचा है अभी, अंधेरे में कुछ दिखाई देगा नहीं भाई, इसको बंद ही कर देता हूं। 5:22 फाइनली पापा भी आ गए, गाड़ी करवाता हूँ अंदर। वेट कर रहा था हूँ। टाइम भाई देखा ना 5:30 हो गए, अभी तक अंधेरा है अच्छा खासा। चल गया था मैं, ठीक है ओके टाटा बाय बाय। हाँ बैंक कर रहा है ले बा। जल्दी सीट बेल्ट पहनो, अब क्या होगा आने वाले टाइम में, दिन छोटे हो जाएंगे रातें लंबी हो जाएंगी, अब यही सीन रहा करेगा। 5:30 हो चुके हैं, ओम नमः शिवाय। रात को ना बारिश हल्की हल्की हो ही गई बारिश भाई, गाड़ी के शीशे ना ओपन कर देता हूँ यार, अब यही सीन लगाना थोड़ा थोड़ा ना, मुझे लग रहा था गले में भी थोड़ा सीन ही है। नीचे वाली साइड को निकलूँगा, इस साइड अपनी स्टार लगी है। ठीक है पापा, ओके ओके बाय बाय, रेस्ट करें और सही जवा, ओके ठीक है मम्मी। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह भाई आरती लगी है मंदिर में, जो सच पास वाला था अभी बचता है डेटा, वो ने कॉपी किया था गोप्रो से और अभी ये ट्रिप ए सेट नहीं किया था, तो फाइनली हमारा ट्रिप ए भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब माता के मंदिर से। अब देखते हैं हम कितनी किलोमीटर चलते हैं आज की डेट में। टारगेट तो वैसे मेरा अच्छा खासा चलने का, बट मैंने सुना है कि रामपुर वाली साइड वो लैंडस्लाइड वाला भी सीन हो रखा था, भी होगा भाई अब देखी जाएगी। अब तो मैं निकल चुका हूँ वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्कम। लाइटों का जो थ्रो है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल का है। ब्लॉग में ना इन्हीं लाइटों की तारीफ कर रहा हूँ, करूँ भी क्यों नहीं। पापा का कॉल भाई, अभी पापा का फ़ोन आया घर से, मैं अपनी गाड़ी का ना पंप भूल गया घर पे ही, इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे अभी हमारी सच पास में गाड़ी के टायर पंचर हो गया था, तो वैसा अगर आगे हो जाए ना दिक्कत हो जाएगी, एटलीस्ट अपने पास कुछ तो होना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ याद आ गया बाबूजी, मुझे कुछ भी मुझे याद था ही नहीं। ये क्या नाम क्या नहीं से जोड़ नहीं आई गया पापा मो, ओके बाय बाय। हो गया 0:00 अब घर से भाई, अब देखो लाइट भी आ गई ना, फिर से क्लाइमैक्स देता हूँ आपको। गाड़ी में तेल मैंने लिया नहीं है, अभी डीजल लूंगा मैं अब शिमला से आगे। इधर सुबह सुबह का कितना प्यारा हो रखा है, रात को बारिश हुई है हल्की फुल्की, लोग चल रहे हैं इस टाइम मॉर्निंग वॉक के लिए और हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी को वॉक कराने के लिए, वो भी वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। मैं 5:56 और डीजल मैं यहीं चंडीगढ़ से फुल करके चल रहा हूँ, क्योंकि आगे का पता नहीं है। ठीक है भाई 0 है, आगे गले तक भर देना भाई इसको, आगे का पता नहीं है कि आगे रोड कैसे हैं, ख़राब है क्या है सीन क्या नहीं है, तो यहीं से एक बार फुल कर लेते हैं, बाकी आगे जहाँ मिलेगा वहाँ फुल करते रहेंगे पूरा गले तक, जब तक भाई ऊपर तक इसकी सांस ना आना बंद हो जाए ना तब तक हम इस पर तेल डालते रहते हैं कोई बस। ठीक है भाई देखो गले तक आ गया फ्यूल, और हमारा आया है 2000 रुपये का, यानी 24 लीटर आया। एक DEF का कैन दे दो आप, 20 लीटर का
इससे कम नहीं है, छोटा नहीं है, फिर तो फायदा नहीं है इसको रखो। मेमोरी कार्ड है वो भी फुल हो रखा है, उसका भी डेटा कॉपी करना है, अभी तक कुछ भी नहीं करा। पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल लेकर के थोड़ा दिल को सुकून मिला है। अब यहाँ पे सुबह सुबह कहीं भी आपको ट्रैफिक लाइट्स नहीं मिलेंगी, तो अपना जो है इजीली सफ़र रहेगा। शूटो शूट निकल जाएंगे, वैसे यहाँ से ज़्यादा लाइट्स आती भी नहीं है। तो ये अपने ट्रिप का पहला टोल आ चुका है 45 रुपीज़ का। जो फास्ट टैग है वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ये देखो, पहले हाथ में पकड़ के ना यहाँ पे चिपका देता था मैं, अकेला रहता ना भाई तो दिक्कत रहती है हर एक चीज़ को एडजस्ट करने की। शिमला जाना आसान नहीं है। अब देखिए शिमला जाते हुए कितने ज़्यादा टोल आएंगे आपको मैं बताता रहूँगा भाई। दो तो हमारे जा चुके हैं, एक 40 रुपये का था जो कि मैं बोल रहा था 45 रुपीज़ का है, वो 40 रुपीज़ का था, और एक 100 रुपीज़ का है। अब यही आई थिंक 140 समथिंग आगे आने वाला है। लग चुका है ट्रैफिक जाम अच्छा खासा। सोचो यहीं पे अगर ट्रैफिक जाम है तो आगे जा करके होगा क्या। हमारे पीछे एक ट्रक है और उसके पीछे बस जा रही है, वो भी रिकोंगपियो बस है भाई। रिकोंगपियो जाके रुकेगी, उसके पीछे एक वॉल्वो जा रही है वो भी ट्रैवलर भाई। इसमें पैसेंजर्स भरे पड़े खचाखच। अरे भाई वो ना, जब ऐसा जाम लगता है ना लोगों को एक दूसरे से आगे जाने की होड़ मच जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों। आगे जाके करेंगे क्या ये नहीं मुझे समझ आता, ऐसे नहीं मानेंगे भाई। ये ले भाई, नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो कि ऐसे रूल ब्रेक करते हैं। यहाँ पे वन वे है, कुछ ना कुछ तो पक्का हुआ होगा भाई आगे। यहाँ से लैंडस्लाइड और ये रास्ता बंद, यहाँ पे बन रहा है पुल, और उसके बाद जो है एक तरफा ट्रैफिक है तो लोगों को पीछे खड़े होने पड़ रहे, उसी वजह से जाम है। मेरी बेवकूफ़ी आपको बताता हूँ मैं अभी क्या है। 127 किलोमीटर चल रहा हूँ नॉन स्टॉप भाई। मैं चला गया बस स्टैंड, जो नया बस स्टैंड है एक ऊपर वाली साइड आता है ओल्ड वाला, मैं न्यू वाले में चला गया, फिर वहाँ से घुमा फिर आकर के फिर से ओल्ड बस स्टैंड वाली साइड से नीचे चंडीगढ़ की तरफ चल पड़ा। मैंने बोला यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, फिर आगे देखा चंडीगढ़ का बोर्ड आ गया। चंडीगढ़ के बोर्ड में से भाई मैं तो नीचे उतर रहा हूँ, और दो तीन टनलें इवन गई भी है नालदेरा वाली साइड से। मेरा उस टाइम भी दिमाग नहीं घुमा, जो IGMC है इंदिरा गांधी जो यहाँ का PGI मानते हैं जिसको शिमला का, वहाँ से मैं नीचे उतर रहा, मेरे उस टाइम भी दिमाग में नहीं आया भाई। इतना नीचे उतरने के बाद आज फर्स्ट टाइम इतना मैं खज्जल हुआ हूँ यार। ये पता क्या बोल रहा है कि आपका रूट जो है डाइवर्ट हो रखा है और यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, क्योंकि ये ठीक बोल रहा है। अब से 2 या 3 दिन पहले रोड क्लोज ही था भाई, अभी तक वो खुला है कि नहीं खुला है। नालदेरा मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है लोकेंद्र, मैं भाई को लोकी बोलता हूँ, तो उनका फ्रेंड है कल्पा में, वो है मौसम विभाग में, तो उन्होंने पता किया था भाई मौसम वगैरह ठीक है, यहाँ पे हल्की फुल्की फॉग आ रखी है। डर तो है नहीं भाई किसी भी चीज़ का, बस खोने से डर लगता है, जैसे अभी हुआ कितना ज़्यादा तेल वेस्ट हो गया मेरा।
यहाँ पे टेलीस्कोप वगैरह है, अभी इतनी ज्यादा फॉग है दिखाई क्या ही देगा। अगर मौसम सही हो ना, क्लियर हो, तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है यहाँ पे। ऐसा कौन सोचता कि यहाँ से भी आ जाएगा, ऐसा तो कोई नहीं सोचता। अच्छा आप सेब लेके जा रहे हो, कहाँ जाओगे, मंडी चंडीगढ़ क्या सेब? ये तो दिल्ली। दिल्ली ये थे यहाँ के लोकल लोग, यहाँ पे इतनी ज्यादा लाइंस लगी हुई है ना गाड़ियों की, एक कोई बंदा गलत रॉन्ग एंट्री ले ली होगी तो यहाँ पे क्या हुआ, जाम लग गया भाई, ऊपर तक काफी जाम है। ये देखो मेरे पीछे भी काफी ज्यादा जाम लगा हुआ है, तो ये बोल रहे थे अपनी गाड़ी ना बिल्कुल आराम से लेके जाना है, और जैसे ये माउंटेन है जैसे ऐसी है तो इसके नीचे अपनी गाड़ी को खड़ी मत करना। तो भाई मैं अपना स्टे ना किसी अच्छे होटल में ही लूँगा आज की डेट में, और टूरिस्ट तो ना के बराबर है, बोलते टूरिस्ट जा ही नहीं रहा भाई। गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ, अरे भाई दोस्ती का मिलान हो गया, ये होता है भाई प्यार आपस में, समझ रहे हो यार। देखो ड्राइवरों की ज़िंदगी भी एकदम मस्त लाइफ है यार, और सबसे मस्त लाइफ है जब आप ट्रैवल करते हो ना भाई, ट्रैवलिंग से अच्छी लाइफ और कोई है ही नहीं भाई। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई मुझे थोड़े बहुत कहीं से पैसा आता रहे और मैं ट्रैवल करता रहूँ भाई, जगह जगह ना दिखा देना तो भाई मेरा नाम चेंज करा देना आप। मज़ा आता है यार जब आप किसी नई जगह पर जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, नई नई बातचीत होती है, मतलब जो आपके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना वो निकल जाती है यार अंदर से, बोलते हैं आत्मा तृप्त हो जाती है, सेटिस्फैक्शन बोलते हैं ना इनर कोर से, वो मिलती है आपको ऐसे प्लेसेस में आकर के। बस ये आ रही है शिमला आनी मंडी कुल्लू, भाई मंडी जा रही है ये, ठीक है। और ये जो जाम लगा है ना भाई, ये कुछ कुछ इस तरीके से लगा है जैसे गाड़ियाँ यहाँ पे निकल जाती है ना बाहर, जैसे ये निकल करके आ रही है तो फिर क्या हो रहा है ना, सिंगल लाइन ही चल रही है। इससे अच्छा है कि मैं इस बस के पीछे चलता रहूं, तो मेरा बेनिफिट है। देख रहे हो आप व्यू, ये सारी लोकल गाड़ी है भाई, इसमें आपको टूरिस्ट बहुत रेयर मिलेगा। और ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं जैसे बोलेरो पिकअप होगी, इसके अंदर सारा सेब भरा पड़ा है, मतलब एप्पल भाई खेती, यू नो। पर देखो भाई व्यू यार, क्या जबरदस्त व्यू है, इस व्यू के लिए तो भाई हम आए हैं यहाँ पे। मतियाना 34 किलोमीटर है भाई अभी, मैं तो सोच रहा हूँ मतियाना में जाकर के ही खाना खाता हूँ। एक्चुअली क्या ये ट्रक हो रखा है ख़राब, इसको कुछ एक्सल उक्सल टूट गया होगा या क्या सीन है। और इतने बड़ी गाड़ी को निकालना भाई सच में एक डेंजरस टास्क रहता है, और दूसरी गाड़ियां जब ऐसी खड़ी हों आपके आसपास और हॉर्न पे हॉर्न दे बैं 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 बैं, तो भाई जो ड्राइवर होता है ना थोड़ी देर के लिए फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। तो हैट्स ऑफ है भाई, इतनी बड़ी गाड़ियां लेकर के जा रहे हैं, अपनी जो माउंटेन्स में सप्लाई रुकी हुई है उनके लिए सप्लाइयाँ जा रही हैं। ड्राइवरों की जो जॉब है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो गाइस ये देखो भाई क्या देखा है, ईल है क्या ये? आई थिंक ये ईल्स है भाई, कितनी बड़ी बड़ी ईलें हैं यार, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतनी नज़दीक से इनको।
भाई ये चाहे ना तो आपको दो इलें उठा करके ले जा सकती हैं। आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भाई जो भी अपने गाय भैंसे पालते हैं, भैंसों को छोड़ दो भाई, जो भी अपने गाय माता को पालते हैं ना उनको ना उतनी इज्जत दो यार। ऐसे देखो सड़क के किनारे मरी हुई है, यहाँ पे कौन देखेगा और कौन इनको नीचे ज़मीन में दफन करेगा। तो इले जो है भाई नोच नोच के खा रही हैं, मतलब आधी गाय तो बेचारी ख़त्म भी कर दी है। तो सबसे रिक्वेस्ट है भाई, जितने जानवर पालते हो ना तो उनको पालने का थोड़ा सा दम भी रखो, और जब तक दूध दे रहे हैं तब तक ठीक है, और जब दूध देना बंद किया तो उनको फेंक दो, ऐसे छोड़ दो आवाराओं की तरह। क्या यार डिसअपॉइंटेड भाई, ये देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट ईल मैंने फर्स्ट टाइम देखी, वो भी इतने नीचे। ये है रेंज रोवर और इसकी क्या हालत हो गई भाई, एक्सीडेंट हुआ। इसलिए बोलते हैं रात को ना थोड़ा सा आप गाड़ी वगैरह जो है थोड़ा आराम से ही चलाया करो। और ये है DL नंबर भाई, DL2C80 भाई। गाड़ी के ना पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं भाई, पता नहीं किस वजह से हुआ है, मैं तो जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ। बट क्या है ना कि आज जैसे पहाड़ों पर आ रहे हो, एक तो म्यूज़िक कम रखो और दूसरा अपनी जो ड्राइविंग है नाइट के टाइम में बिल्कुल भी मत करो। थकान है तो थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट करो, और अगर आप रेस्ट भी नहीं कर सकते तो भाई पावर नैप ले लो, वो बहुत ज़रूरी रहता है अगर आपको इमरजेंसी ड्राइव करनी पड़ जाती है तो। भाई ये सब चीज़ें ना आप देख रहे हो, ये बहुत भयानक होती हैं। ऐसी चीज़ें देख के ना मेरा दिल दहल जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अकेला ड्राइव करता हूँ सोलो, और इसमें क्या रहता है ना भाई, अगर मुझे कभी सोचो नींद आ रही हो या कुछ और है सिस्टम, तो मैं क्या करता हूँ भाई, गाड़ी रोक करके थोड़ी देर के लिए ऐसे पावर नैप ले लेता हूँ कि भाई मुझे नींद आ रही है, इससे आगे मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, सो जाता हूँ। तो ये चीज़ मैं सबके लिए बोलता हूँ कि ये एप्लीकेबल है, जहाँ नींद आए भाई वहाँ सो जाओ, ज़रूरी नहीं है अपने गाड़ी भगाई लेनी है, नुकसान हो गया ना बंदे का।